हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वंदना क्लासेस। माँ नींद नहीं आ रही, कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है। ये बहुत समय पहले की बात है, एक पहाड़ी पर एक राक्षस रहा करता था। उस राक्षस ने घोर तपस्या करके शिव जी से वरदान ले लिया कि वो अपना हाथ जिसके ऊपर भी रखे वो भस्म हो जाए। वरदान पाकर वो बहुत से लोगों को भस्म करता गया और आखिर में वरदान देने वाले शिव जी को भी भस्म करने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ माँ? सारे मुनि रक्षा के लिए विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने मोहिनी जी का अवतार लिया और कुछ ऐसी चाल चली कि वो राक्षस खुद के ही सिर पर हाथ रख कर भस्म हो जाए। उस राक्षस का नाम क्या था माँ? भस्मासुर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विनाश करने वाला अगर अपना दिमाग विनाश करने में लगाएगा तो उसका खुद का विनाश हो जाएगा। इसलिए अपना दिमाग हर दम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।